सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। बधाई देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को कि जिन्होंने एक राह दी, एक नई दिशा दी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 जून का दिन तय कराया कि 21 जून में पूरी दुनिया में योग होगा, क्योंकि यदि शरीर निरोगी रहेगा तो शरीर स्वस्थ होगा, आगे बढ़ेगा आम समाज के लोगों ने, हमारी सहेलों ने, पत्रकार मित्रों ने, प्रशासन ने, तमाम वर्ग ने, तमाम दलों के लोगों ने, तमाम पार्टियों के लोगों ने बच्चा बच्चा राजनीतिक आधार से ऊपर उठ करके भारत से ऊपर उठ करके जुड़ गया है और ये देश बहुत तेजी से युवा के साथ चल रहा है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। योग के अंदर आज वीवीआईपी कल्चर आज भी नजर आ रहा है और हमारे बीच में आप माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी आया पिछली बार भी नजर आए, सवाल उठे थे अलग अलग, हम लोग कहीं वी आई पी कहीं वी वी आई पी के बोर्ड लगाए गए, क्या मतलब है? मैं समझता हूँ योग में सब एक जैसे और योग का कल्चर अपने आप में ये कल्चर है, योग कल्चर। आज हम सब योग के आधार पर पतंजलि परिवार ने योग कराया, जैसी उनकी आज्ञाएं थी, जैसा उनका निर्देशन था, उसमें हम सब लोगों ने सामूहिक रूप से बैठकर के योग किया और मैं पूरे देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। कहूँगा कि नहीं, केवल इतना कहूँगा कि बचपन से या हम सब लोग कितने बैठे हैं, हम सब ये कल्पना कि भारत विश्व गुरु की ओर बढ़े, परम वैभव ने तुम्हें तस्व राष्ट्रम, ये राष्ट्र परम वैभव की ओर जाए, मैं बधाई दे सकता हूं देश के लिए बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को कि उन्होंने और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आज 21 जून में बैठ करके एक साथ सामूहिक रूप से योग करने का अवसर दिया। मित्रों, मुझे कुछ चीजें याद आती हैं। 21 जून कोई सामान्य दिन नहीं है, ये सामान्य आंकड़ा नहीं है। आप जरा कल्पना करो, हमने सोचा भारत विश्व गुरु की ओर बढ़े और 21 जून का दिन तय हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर। आप सबको मालूम है किसका प्रस्ताव है, ये किसका प्रस्ताव है? पूरी दुनिया की पंचायत में प्रस्ताव रखा रही है मोदी जी ने और मोदी जी ने कहा एक दिन पूरी दुनिया बैठ करके योग करेगी, कराची हो, दुबई हो, इंग्लैंड हो और कोई भी राज्य हो, सब लोग एक साथ बैठ करके योग करेंगे और उनके इस प्रस्ताव पर पूरी दुनिया ने मोहर लगा दी। तो बोलो भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? एक प्रस्ताव रखा और मुझे अभी याद आ रहा था कि 1947 से पहले मैं 1893 की चर्चा करूं, स्वामी विवेकानंद दुनिया में भारत का परचम लहराया 1893 में, सीतारमण में भाषण दिया जाकर के पूरी दुनिया पीछे चल पड़ी, तो 1893 का योग क्या है? जरा करना, योगी है ना आप लोग, 1893 मानो आकर एक नो 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 1893 का योग क्या है? 1893 योग मानो 1947 में देश आजाद हुआ तो योग क्या है? 9, 1, 10, 4, 14, 7 21। ऐसे ही बहुत सारी घटना जो क्रिकेट प्रेमी है आपको याद होगा, हम लोगों ने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था, कपिल देव कप्तान थे, तो कौन सा योग मिलता है? 21 और आज भी 21 जून है तो 21 का योग भारत के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम गारंटी से कह सकते कि विश्व गुरु की ओर भारत बढ़ रहा है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हुआ, पतंजलि परिवार को बधाई देता हुआ, जिला प्रशासन को बधाई देता हुआ,
तमाम आए मित्रों को बधाई देता हूँ, हमारी बहनों का सम्मान अभिवादन करता हुआ और आप सबके उज्ज्वल स्वास्थ्य की जांच, स्वास्थ्य अच्छा है, स्वास्थ्य यदि अच्छा होगा तभी मन भी अच्छा होगा और मन अच्छा होगा तभी काम भी अच्छा होगा और काम अच्छा होगा तभी मोदी जी की कल्पना, योगी जी की कल्पना पूरी होगी कि भारत और ये प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़े। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।